वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन पी वाई क्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका वैच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा ऑप्शन सम्मान इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड सत्यजीत राय राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर दादा साहेब फालके अवार्ड तो इंडियन सिनेमा में जो सबसे हाइएस्ट अवार्ड है वो सभी को पता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर सेकेंड क्वेश्चन वॉट आर पपेट्री रामलीला स्ट्रीट थिएटर एंड तमाशा फॉर्म्स ऑफ ऑप्शंस आर फोक मीडिया रूरल मीडिया मास मीडिया एंशेंट मीडिया तो ये सभी जो है आपके फोक हैं कल्चरल हैं तो ये फोक मीडिया के अंदर आते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन मास मीडिया ऑडियंसिस आर ऑप्शंस आर आइडेंटिफिएबल अनोनमस स्पेसिफिक स्ट्रेटेडा या कंसनट्रेटेड तो ऑडियंस जो होती है वो अलग अलग होती है हर कोई एक दूसरे से जान पहचान का नहीं होता है तो ये अनोनमस होती है जो एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिसेंट फिनोमिना ऑफ मॉडर्न डे मीडिया इन इंडिया ऑप्शन आर फिल्म न्यूज़ पेड न्यूज़ स्पोर्ट्स न्यूज़ या फिर फीचर्ड न्यूज़ तो जो रिसेंट फिन है फिल्म स्पोर्ट्स और फीचर ये न्यूज हम पहले से ही देखते आ रहे हैं लेकिन अब जो रिसेंटली पहले मतलब कुछ सालों से पेड न्यूज का फॉर्मेट चला है कि न्यूज पे करके जो है आप चलाते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल बींग टू द मैक्सिमम ऑप्शन आर इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन एजिटेटिव सिचुएशन परसुएसिव सिचुएशन या पर्सनल सिचुएशन तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा मैन्यूपुलेट होगी वो होती है आपकी परसुएसिव इसमें जो है जो ऑडियंस होती है उसको परसुएट किया जाता है अपने जो मीडिया की धारणा उसको अपनाने के लिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द ऑडियंस ऑप्शंस आर रेगुलर फेस टू फेस इंट्रैक्शन लिसनिंग टू अ रेडियो जिंगल रीडिंग अ बुक या वॉचिंग अ मूवी तो इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो होता है आपका वॉचिंग अ मूवी हम कोई भी मूवी देखते हैं उसका काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग में इफेक्ट uh, रहता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉचिंग मूवी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ मीडिया स्टडीज ऑप्शन आर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या फिर कल्चरल या फिर सोशलॉजिकल तो साइकोलॉजिकल कल्चरल और सोशियोलॉजिकल ये सारे ही आपके मीडिया से संबंधित है लेकिन फिजियोलॉजिकल जो है वो मीडिया से नहीं ज्योग्राफिकल जियोग्राफी से होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर टू होगा कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो आपके मीडिया से संबंधित नहीं है नेक्स्ट इज वॉट डज साइट स्टैंड फॉर ऑप्शंस आर सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सिंक्रोनस इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट या फिर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट या सिंक्रोनस इंटीग्रेटेड टेलीविजन एक्सपेरिमेंट तो साइट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ऑप्शन नंबर थ्री जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी ऑप्शन आर ऑडियंस अकाउंटेबिलिटी कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी ऑडियंस फिजियोग्राफी या फिर मीडिया एनालिसिस तो मीडिया लिटरेसी क्या होती है मीडिया एनालिसिस होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा फॉलोइंग अनफेक्टेड बाई मीडिया डायरेक्टली ऑप्शन लिटरेसी रेट कंज्यूमरिज्म या बायर्स बिहेवियर तो इसका जो मीडिया से अनएफेक्टेड रहता है वो है लिटरेसी रेट बाकी आपका कंज्यूमर बिहेवियर डिसेंटलाइजेशन या फिर कंज्यूमरिज्म ये सब चीजें जो है मीडिया के अंदर आती हैं तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगेगी थैंक यू सो मच